रस्में सारी हिंदू मैरिज के हिसाब से होंगी, हल्दी मेहंदी और शादी होगी, और सारी रस्में मैं अकेले खुद ही करूंगी बिकॉज सोलो मैरिज है। हर लड़की का सपना होता है कि वो एक दिन दुल्हन बने, लेकिन अगर कोई लड़की बिना दूल्हे के शादी रचाए तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये सच होने वाला है। दरअसल गुजरात के वडोदरा में रहने वाली क्षमा बिंदु खुद से शादी करने वाली हैं। क्षमा 24 साल की हैं और वो 11 जून को सोलो शादी रचाने वाली हैं। आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन क्षमा इसको लेकर तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादी में उनके जानने वाले सभी होंगे, बस दूल्हा नहीं रहेगा। बता दें कि गुजरात में ये शादी पहली सेल्फ मैरिज या सोलोगैमी होगी। इस शादी की सबसे खास बात यह है कि क्षमा सभी रीति रिवाजों से शादी करेंगी और सिंदूर भी लगाएंगी। ये विचार मेरे दिमाग में बचपन से ही था। ये विचार को लेके मैं बहुत ही खुश थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था इसको हकीकत में पॉसिबल हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस जब मैंने गूगल पे सर्च किया कैन आई मैरी माई सेल्फ, तो मुझे सोलोगैमी के कंसेप्ट के बारे में पता चला। और जब मुझे सोलोगैमी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से शादी किया जाए। फेरे मैं अकेले ही लेने वाली हूँ, सिंदूर मुझे पंडित जी बताएंगे, ये तो मैं आईने में सिंदूर लगाऊंगी, ये तो मैं सिंदूर खुद के हाथ से खुद को लगाऊंगी। क्षमा आने वाले 11 जून को गोत्री के एक मंदिर में शादी करने जा रही हैं। इससे पहले 9 जून को मेहंदी सेरेमनी है। इस शादी में वो खुद से 5 कस्में निभाने का वादा भी करेंगी। इसके बाद वो हनीमून के लिए गोवा भी जाएंगी। क्षमा का कहना है कि उनके इस फैसले से उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनका परिवार काफी ओपन माइंडेड है। पेरेंट्स को कन्विंस करने में मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज मैं बचपन से ऐसी अतरंगी चीज़ें करती हुई आई हूँ, तो उनको पता ही था मैं दुनिया समाज से थोड़ी अलग हूँ। जब पेरेंट्स को मैंने बताया, शॉक हाँ वो ज़रूर हुए थे, पर बाद में उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। वैसे आपको बताते चलें कि सोलोगैमी का मतलब है खुद से शादी करना। इसके समर्थकों का कहना है कि खुद से शादी करना खुद के लिए प्यार होने की प्रतिबद्धता है। उनका मानना है सोलो शादी एक खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।